दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं बाबा श्री ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आज आपको ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने का पूरा तरीका बताएंगे, कैसा क्या जाना है और पूरी जानकारी दिखाएंगे, इसलिए वीडियो पूरी देखें। ये देख सकते हैं मैं इंदौर हाईवे पे हूँ, ये आप देख सकते हैं 69 किलोमीटर है यहाँ से। मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों ओमकालेश्वर जाने से पहले हमने थोड़ा नाश्ता करने के लिए कंचन रेस्टोरेंट पर रुके हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ओमकालेश्वर इंदौर हाईवे पे है। अब अंदर चल के थोड़ा नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। ये दोस्तों हमने ढाबे पे थोड़ा ये आलू बड़ा लिया है, ये आलू बड़ा बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, देखते हैं अब कितने खा पाते हैं। ये हमारे अनूप भाई, ये नितेश भाई और मैं, तो अब इसको खाने के बाद निकलते हैं। जय श्री महाकाल। ये देखिए पूरे ओमकालेश्वर जी के रास्ते में पूरे कांवड़िए जो हैं, जो कि जल चढ़ाने जाते हैं, वो पूरे रास्ते में हमें दिखाई दे रहे हैं और पूरे रास्ते में ही धुंध छा चुकी है, बस कहीं तेज़ बारिश ना हो जाए। इंदौर ओमकालेश्वर हाईवे में बहुत ज़्यादा ही अंधे मोड़ हैं, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल अंधा मोड़ है। अंधा मोड़ मतलब बहुत ज़्यादा ही कर्व है, देख सकते हैं, लेकिन पूरी नेचर की जो ब्यूटी है वो आपको इस वे पे दिखाई देगी। तो इस रास्ते पे अगर कभी भी आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाएं, क्योंकि इस पे जाम बहुत ज़्यादा लगते हैं और यहाँ पे ट्रकों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है। और बाकी आप ये नेचर का मज़ा लेते हुए जय श्री महाकाल बोलते हुए चलते। अच्छा है, चारों तरफ वादियाँ हैं और पहाड़ हैं जो बादलों से गिरे हुए हैं। नदी है ये चोरल नदी। ये देखिए कितना लंबा जाम है। अच्छा हुआ आज बाइक से आए हैं तो बच गए, नहीं तो हम फंसे ही रह जाते। ये देख सकते हैं कितनी लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। नितेश भाई क्या बोलोगे ट्रैफिक के बारे में? हम कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं आज, लेकिन बाबा के दर्शन करने। बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक, साइड ये रोडें चल रही हैं। ये देखिए एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वहाँ पे अभी जो रोड है वो रोड बनने का कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस है। हर हर महादेव। दोस्तों हमने अपनी नर्मदा जी में स्नान कर लिया है और अब हम बाबा ओमकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। अब देखते हैं, वो देखिए आपको ओमकालेश्वर मंदिर वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दूर। और अभी ओमकालेश्वर डैम ये हैगा, शाम को 4 बजे के बाद यहाँ से पानी छोड़ने जाने का अनाउंसमेंट हो रहा है। तो चलिए अब दर्शन करते हैं बाबा ओमकालेश्वर की, बहुत लंबी लाइन है। हर हर महादेव। देखिए हमने प्रसाद ले चुका है और उसके बाद हम ओमकालेश्वर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, जिसकी दूरी 600 मीटर है। चलिए अंदर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं कैसे दर्शन होंगे। तो ये देखिए ये जो रास्ता जा रहा है ये ओमकालेश्वर जी पर जा रहा है और ये जो रास्ता जा रहा है ये ममलेश्वर जी पर जा रहा है। तो हम पहले ओमकालेश्वर जी जाते हैं, क्योंकि पहले ओमकालेश्वर जी के दर्शन करे जाते हैं उसके बाद ममलेश्वर जी के। हर हर महादेव। दोस्तों ये देखिए ओमकालेश्वर जी के जाने के लिए ये पुल है, सेतु है, ओमकालेश्वर पावर स्टेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये ओमकालेश्वर जी का मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो यहीं पर हमें जाना है और ये माँ नर्मदा जी के किनारे पर है और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। भगवान महादेव ने इस पर्वत का यहाँ पे वश तोड़ा था और यहाँ पे जो नर्मदा जी हैं वो ओम आकार की आकृति में घूमती हैं और यहाँ पे परिक्रमा भी होती है, जो कि 11 किलोमीटर है। लेकिन अभी हम परिक्रमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और ममलेश्वर और ओमकालेश्वर जी दोनों के ही दर्शन करने। तो मिलते हैं आपसे मंदिर में।
ये देखिए, ये ओमकालेश्वर बांध है, मतलब ओमकालेश्वर डैम, और इसके अभी गेट खुल सकते हैं। तो अब जब भी यहाँ पे आएँ और नहाएँ और मानसून सीज़न में आएँ तो अनाउंसमेंट और सारन पे ध्यान दें, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोग यहाँ पे बह गए थे, इसलिए सावधानी बरतें और अपने सारन का ध्यान देते हैं और ज़्यादा गहराई में ना जाएं। जो इस तरफ का पानी आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लहरें चल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा गहराई है, तो वहाँ पे ना नहाएं, यहीं नहाएं। हर हर महादेव। ये देखिए, वो जो उस साइड आपको जो मंदिर दिख रहा है वो ममलेश्वर मंदिर है, और ये ओमकालेश्वर ब्रिज, और उस तरफ से भगवान ओमकालेश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं। और इस साइड आएंगे तो ये जूता स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पे 2 रुपये की सेवा शुल्क लगती है और आपके जूते यहाँ पे रख लिए जाते हैं, तो आप यहाँ तक जूते पहन के आ सकते हैं। और उसके से आने के बाद ये जो ब्रिज से आप आते हैं उस तरफ से ममलेश्वर मंदिर की तरफ से, यहाँ पे हाथ पैर धोने का मना है, आप यहाँ पे हाथ पांव भी धो सकते हैं, और उसके बाद बाबा ओमकालेश्वर के दर्शन करने जा सकते हैं। और ये दर्शन है तो मंदिर जाने का मार्ग ओमकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबा ओमकालेश्वर जी ने यहाँ पर राजा मंदाता को दर्शन दिए थे, और राजा मंदाता ने उनकी बहुत ज़्यादा ही तप करी थी, इस कारण से भगवान शिव ने यहाँ पर प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस पर्वत को मंदाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पे ममलेश्वर जी और ओमकालेश्वर जी को एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, और इन दोनों ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना अनिवार्य है, यदि एक के भी दर्शन नहीं किए जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ हो रही है ओमकालेश्वर मंदिर में, कम से कम आधा एक घंटा हो चुका है हमें लगे हुए, फिर भी अभी पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। देख सकते हैं सावन का महीना होने के कारण ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत भीड़ है। कि जब आप बाबा ओमकालेश्वर की लाइन में लगे होंगे तो जिस तरीके से, तो यहाँ पे आप ये शिवलिंग वगैरह भी ले सकते हैं आप चाहें तो। हर हर महादेव ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, जो कि यह नर्मदा नदी के बीच मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और सदियों पहले भील जनजाति इस जगह पर लोगों ने उनकी बस्तियां बसाई, और अब इस जगह की भव्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ की वो वास्तुकला पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण के बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है, इसमें 68 तीर्थ हैं या 33 कोटि देवदेवता परिवार सहित निवास करते हैं, तथा जो 2 ज्योतिर्लिंग लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग है। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, एक उज्जैन में महाकालेश्वर जी और दूसरे ओमकालेश्वर एवं ममलेश्वर जी। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि यहाँ पे रात भर पासे बिछाए जाते हैं, और रात में माता पार्वती और शिव जी पासे खेलते हैं, जो कि सुबह जब पंडित जी गेट खोलते हैं तो पासे उल्टे पड़े हुए मिलते हैं। तो ये बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है, यहाँ के दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, भीड़ ज़्यादा होने के कारण हम आपको शिव जी के दर्शन तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन आप ये स्क्रीन पर इनके दर्शन कर लीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर बसा है। ये जो आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, यही है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जी का मंदिर, और यहाँ पे भी दर्शन करना उसी प्रकार जरूरी है जैसे कि वैष्णो देवी में भैरव बाबा के दर्शन करना। देख सकते हैं दोस्तों, ओमकालेश्वर जी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए वहाँ की वीडियो स्क्रीन वाली वीडियो आपने देखी होगी। हम जा रहे हैं ममलेश्वर जी के दर्शन करना। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग अपनी वास्तुकला के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पे बहुत ही अच्छी शिल्पकला की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षक एवं सुंदर लगती है। और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर जी के अपोजिट डायरेक्शन में स्थित है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया था। यह प्राचीन हिंदू मंदिर देश भर में अपने इतिहास और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर की आंतरिक दीवारें स्त्रोत की आकृतियों से गढ़ी गई हैं। मुख्य मंदिर के गर्भगृह के अंदर शिवलिंग स्थापित है, तथा मंदिर में भगवान शिव और देवी शक्ति की मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पर महाशिवरात्रि पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। हर हर महादेव। डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का।
महादेव दोस्तों, हमने ओमकालेश्वर और ममलेश्वर जी दोनों के ही दर्शन कर लिए हैं। अगर आपको हमारी जानकारी की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में हर महादेव जरूर लिखें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।